ईवे बिल प्रणाली माल के तेज, आसान और निर्विघ्न अंतरराज्यिक परिवहन हेतु 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी हो जाएगी। प्रदायकर्ता सप्लायर, प्राप्तिकर्ता रिसिपिएंट के लिए ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी। माल के अंतरराज्यिक परिवहन के लिए ईवे बिल आज 1 अप्रैल 2018 से लागू हो गया है। आप अपने जीएसटी आईएन का उपयोग करते हुए ईवे बिल पोर्टल http://eweybillgst.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। eweybillgst.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। ईवे बिल जनरेट करने की आवश्यकता सिर्फ तभी होगी जब प्रेषित माल के कंसाइनमेंट की कर सहित कीमत 50,000 रुपया से अधिक होगी, लेकिन उसमें छूट प्राप्त वस्तुओं की कीमत शामिल नहीं होगी। ईवे बिल जनरेट करने की आवश्यकता सिर्फ तभी होगी जब प्रेषित माल के कंसाइनमेंट की कर सहित कीमत 50,000 रुपया से अधिक होगी, लेकिन उसमें छूट प्राप्त वस्तुओं की कीमत शामिल नहीं होगी। अगर माल का परिवहन जॉब वर्क के संबंध में किया जा रहा है तो प्रदायकर्ता यानी कि सप्लायर अथवा पंजीकृत जॉब वर्कर को ईवे बिल जनरेट करना होगा। मतलब इसमें 50,000 रुपये वाली बात लागू नहीं है। प्रदायकर्ता ट्रांसपोर्टर, कुरियर एजेंसी और ई कॉमर्स संचालक को अपनी ओर से ईवे बिल के पार्ट ए को भी भरने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो प्रदायकर्ता जो है, जो सप्लायर है, वो ट्रांसपोर्टर, कुरियर एजेंसी और ई कॉमर्स संचालक को अपनी ओर से ईवे बिल के पार्ट ए को भी भरने के लिए अधिकृत कर सकता है। अगर प्रदायकर्ता के व्यवसाय के मुख्य स्थान से ट्रांसपोर्टर के व्यवसाय स्थल के बीच की दूरी 50 किलोमीटर से कम है तो ईवे बिल का पार्ट बी भरने की आवश्यकता नहीं है। ईवे बिल का केवल पार्ट ए भरने की जरूरत होगी। तो किस हालत में पार्ट बी भरने की आवश्यकता नहीं है, इसे पुनः सुनते हैं। अगर प्रदायकर्ता के व्यवसाय के मुख्य स्थान से ट्रांसपोर्टर के व्यवसाय स्थल के बीच की दूरी 50 किलोमीटर से कम है तो ईवे बिल का पार्ट बी भरने की आवश्यकता नहीं है। ईवे बिल का केवल पार्ट ए भरने की जरूरत होगी। प्राप्तिकर्ता के लिए माल प्राप्त करने की स्वीकृति देने अथवा मना करने के लिए सूचित करने की समय अवधि संबंधित ईवे बिल की वैधता की अवधि अथवा 72 घंटे जो भी पहले हो होगी। प्राप्तिकर्ता के लिए माल प्राप्त करने की स्वीकृति देने अथवा मना करने के लिए सूचित करने की समय अवधि संबंधित ईवे बिल की वैधता की अवधि अथवा 72 घंटे जो भी पहले हो होगी। जहां माल का परिवहन रेलवे, वायुयान अथवा जहाजों के जरिए किया जा रहा है ईवे बिल पंजीकृत प्रदायकर्ता ओब्लिक प्राप्तिकर्ता द्वारा ही जनरेट किया जाएगा, न कि ट्रांसपोर्टर द्वारा, और इसे माल की मूवमेंट शुरू होने के बाद भी जनरेट किया जा सकता है। प्रदायकर्ता ओब्लिक प्राप्तिकर्ता या ट्रांसपोर्टर द्वारा ईवे बिल नंबर को किसी अन्य पंजीकृत या एनरोल ट्रांसपोर्टर को निर्दिष्ट या असाइन किया जा सकता है।
प्रदायकर्ता ओब्लिक प्राप्तिकर्ता या ट्रांसपोर्टर द्वारा ईवे बिल नंबर को किसी अन्य पंजीकृत या एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर को निर्दिष्ट या असाइन किया जा सकता है। ईवे बिल के संबंध में ट्रांसपोर्टर द्वारा ध्यान योग्य मुख्य बातें, आप अपने GSTIN का उपयोग करते हुए ईवे बिल पोर्टल eWayBill.GST.GOV.IN पर रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आपके पास GSTIN नहीं है तब भी आप इस पोर्टल पर एनरोल कर सकते हैं। यदि प्रेषित माल के हर कंसाइनमेंट की कीमत 50,000 रुपये से कम है तब ईवे बिल की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे उस वाहन के सभी कंसाइनमेंट की कुल कीमत 50,000 से अधिक भी हो। रेलवे को इस शर्त के साथ कि यह प्राप्तकर्ता द्वारा ईवे बिल प्रस्तुत किए बिना माल सुपुर्द नहीं करेगी, ईवे बिल जनरेट करने और साथ रखने से छूट प्रदान की गई है, लेकिन रेलवे को इनवॉइस अथवा डिलीवरी चालान आदि साथ रखना होगा। यदि ट्रांसशिपमेंट अथवा विशेष परिस्थितियों के कारण माल को ईवे बिल की वैधता के अंदर नहीं पहुंचाया जा सकता तो ट्रांसपोर्टर वैधता अवधि को बढ़ा सकता है। ट्रांसपोर्टर फॉर्म GST EWB 02 में समेकित कंसोलिडेटेड ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। यदि माल एक वाहन से दूसरे वाहन में स्थानांतरित किया जाता है तो ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रपत्र GST EWB 01 के भाग बी पार्ट बी में वाहन का विवरण अद्यतन किया जाना चाहिए। किसी भी कर अधिकारी द्वारा एक बार जांच करने के बाद उस वाहन की किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पुनः जांच नहीं होगी जब तक उसके बारे में कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त न हुई हो। ईवे बिल की वैधता 100 किलोमीटर ओवर डायमेंशनल कार्गो के मामले में 20 किलोमीटर तक की दूरी एक दिन के लिए, प्रत्येक 100 किलोमीटर उसके बाद के हिस्से के लिए अतिरिक्त एक दिन होगा।